अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं YouTube चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर खान। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो है हमारे पास ये 2A है, जिसका क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट डी और ई इस लेक्चर में करेंगे। जिसके जो शुरू के पार्ट हैं वो हम इनको मैं कंप्लीट कर चुका हूं, उनमें कोई मसला है तो आप वो देख सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोनिटी ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्वेश्चन नंबर 9 में उसने 4 पार्ट दे दिए और इस तरह की फिगर उसने दे दी है और हर एक में कुछ ना कुछ उसने अननोन हमसे पूछा हुआ है। जैसे कि इस क्वेश्चन में ये डी बी जो है वो 20 सेंटीमीटर ये हमने फाइंड करना है, यानी डी से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है, जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड हुआ है, डी से बी तक और दूसरा बी से ए तक है। इसी तरह उसने हमें ये 26 दे दी साइड, ये 24 दे दी और ये 30 दे दी। तो ऐसा है कि हम क्या करेंगे, पहले ये वाला पोर्शन जो है ना ये ले लेंगे, ये जो साइड है ये देखिए ये वाली, ठीक है। इसको मैं ऐसा करता हूँ कि छोटा सा यहाँ पर वैसे भी बना लेता हूँ आप, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। ये फिर उस तरह का जो क्वेश्चन नंबर करना हो जाएगा, ए बी सी है, इसमें ये देखो 26 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है और इसमें हम ये देख लीजिए, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, जो कि ये आपका क्या है परपेंडिकुलर और ये आपका बेस है, यानी ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का क्वेश्चन बन गया है। अब हमने क्या करना है, और यहाँ पर क्या है राइट एंगल है, इसका यहाँ पर राइट एंगल है। तो अब क्या है कि जो राइट एंगल होता है इसके बिल्कुल सामने वाली साइड आपका हाइपोटेन्यूज होते हैं और हाइपोटेन्यूज के सामने वाली साइड आपका परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, क्योंकि हमें राइट एंगल चाहिए दे दिया दो और दो साइड भी गिवन है, तो अब हम ये करेंगे कि जब हमारे पास दो साइड गिवन है तीसरी साइड निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड देन बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास कितना है, 26 सेंटीमीटर है, यानी 26 का स्क्वायर परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 24 का स्क्वायर लिखेंगे, बेस हमारे पास क्या है बी ए है या ए बी है वो हमने फाइंड करके वो इसी तरह लिख देंगे। अब देखो 26 का स्केल ले लेते हैं, 676 इज इक्वल टू ले लो 576 होता है प्लस ए बी का स्केल होता है। अब इसके जरा के माइनस हो जाएगा 676 में और ये 576 जरा के माइनस हो जाएगा, तो दूसरी तरफ हमारे पास ए बी का होल स्केल आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास कितना बचेगा 100 और ये आ जाएगी ए बी का होल स्केयर। अब मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्केयर रूट इधर भी, इसके इससे कट गया तो 100 का जो स्केयर रूट होता है वो क्या होता है 10 होता है, 10 इज इक्वल टू ए बी, तो हमारे पास 10 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। ये वाली साइड हमारे पास देखो कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, यानी बी से ए तक का जो फासला है हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये वाला जो पोर्शन है अब यहां से लेकर ये और इस तरफ वाली जो ट्राइंगल है ना ये मैं बीच में से निकाल लेता हूँ, ये कुछ ऐसी शक्ल की बन जाएगी ऐसे, जिसका यहाँ सी है यहाँ बी है और इस तरफ मेरे पास क्या है जी डी है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है जो 30 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड में ये देखिए 24 सेंटीमीटर है और जो डी बी है वो मैंने क्या करना है फाइंड करना है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि ये देखें अगेन बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम दैट अच्छा इसमें वो चीज है यहां पर आपने मेंशन कर देना है कि इन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल आप ले रहे हैं ए बी सी ले रहे हैं, ठीक है ए बी सी ले रहे हैं। अब मैं बी सी डी ले रहा हूँ, बी सी डी ले रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है बी सी डी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो हाइपरन्यूज का स्केयर परपेंडिकुलर का स्केयर बेस का स्केयर, अब देखें मेरे पास हाइपरन्यूज ये वाली साइड है 30 का स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ये वाली साइड है 24, ये मैं बता चुका हूँ कि परपेंडिकुलर और ये कैसे पता चलता है डी बी बी डी, देखो बी डी का स्केयर, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल है ना, इसके सामने वाली साइड आपकी एच होती है और एच के सामने वाली साइड आपकी पी होती है, यानी परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, नीचे आपका बेस होता है। अब यह कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, 24 का 576 होता है प्लस बी डी का होल स्केयर। अब 900 में से मेरे पास कितना हो जाएगा 576 माइनस हो जाएगा और बी डी का स्केयर आ जाएगा। अभी 900 से 576 को क्या कर लेता हूँ माइनस कर लेता हूँ तो 324 आ जाएगा, 324 इज इक्वल टू बी डी का होल स्केयर। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड जब मैं करूँगा, इधर भी स्केयर रूट लूँगा इधर भी स्केयर रूट लूँगा, तो ये तो मेरे पास 18 का जो है होता है स्केयर रूट होता है बी डी, तो बी डी मेरे पास कितनी आ गई 18 सेंटीमीटर।
ये देखिए मेरे पास 18 सेंटीमीटर आ गई। अब उसने हमसे पूछा हुआ क्या था, डी सेंटीमीटर। तो असल में जो मेरे पास डी है वो इक्वल है किसके, डी बी प्लस बी ए, मतलब बी ए, क्योंकि डी बी जो है ये टोटल लेंथ है, कौन सा डी ए यानी इस पूरे का एक हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन है वो डी बी है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है बी ए है। इसको मैंने अलग-अलग निकाला क्योंकि मैं एक साथ नहीं निकाल सकता था, तो इसलिए मैं इधर वैल्यू अलग-अलग पुट कर दूंगा, 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, तो डी की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 28 सेंटीमीटर। तो इस तरह जो मेरे पास इसका पार्ट जो डी है क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट डी मैंने कर लिया है। अब मैं पार्ट क्या करूँगा, पार्ट ई करूँगा। वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसका जो दूसरा पार्ट है वो मुकम्मल कर लें। तो अभी जो है सारा कुछ हम रेस कर देते हैं क्योंकि हमारे पास और तो हमारे पास जे क्वेश्चन इसका पार्ट ई है जो उसने फिगर दे दिए। अब पिछले वाले क्वेश्चन में उसने ये वाली साइड में दो जो पोर्शन वाली साइड थी वो हमने फाइंड करनी थी, यानी कि एक ये वाला ऐसा फाइंड किया, ये वाला ऐसा फाइंड किया एंड डबल ये बना लिया। लेकिन इसमें उसने हमें ये वाला पोर्शन दे दिया और हमसे ये वाली चीज पूछ रहा है, तो पहले हम ये करेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है दैट इज बी बी ए बी डी, ये मैं इसे स्क्वायर बना दूं, इस तरह की है ए ए बी डी, जिसमें ये वाली साइड दे दी है 32 सेंटीमीटर है, ये वाली 40 सेंटीमीटर है, और ये वाला इसका हिस्सा मैंने क्या करना है फाइंड करना है। तो पहले ये वाला हिस्सा मैं फाइंड कर लेता हूँ तो फिर आगे मैं बता दूँ और आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, ए बी डी, ए बी डी को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अब क्योंकि यहाँ पर इसका 90 है, 90 के सामने आपका क्या है एच है, एच के सामने आपका पी है, और नीचे आपका ये वाला क्या है बी है, तो बाय लाइन पर क्या सीरम दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अब आपका हाइपोटेन्यूज कितना है, तो यहां मैं 40 लिखूंगा, यानी 40 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 32 का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास ए बी है जो हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। अब 40 का स्क्वायर 1600 आ गया, अब 32 का स्क्वायर ले लेते हैं 1024, कितना आ गया 1024 प्लस ए बी का स्क्वायर 1600 माइनस 1024, ये वाली वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी और इस तरफ हमारे पास क्या बचेगा ए बी का स्क्वायर। अब इसमें से माइनस किया 576 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये तो 24 का है तो 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए बी, यानी लास्ट में आपने जॉइंट टू ही लगा देना है, ये वाली साइड आपके पास 24 आ गया 24 सेंटीमीटर। अब आपने यहां से इसकी साइड यानी ए से लेकर बी तक का ये जो पोर्शन है ये मेरे पास कितना आ गया 24 सेंटीमीटर आ गया। तो असल में जो पूरी लाइन है ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी जो है ये पूरी लाइन है, ए से सी पूरी लाइन है, ये दो इसके दो पार्ट है, एक ए बी है, एक ए बी है और दूसरा क्या है बी सी है, बी सी। अब देखिए बस ए बी तो आ गया, तो सी मेरे पास टोटल जो है वो 55 है, ए और सी यहां से लेकर ए और ये पार्ट सी है ना, ये सी वाले हैं यहां सी, ठीक है, ये टोटल यहां से आता 55 है, मैंने इसे 55 लिख दिया। ए बी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 24 है, देखो मैंने इसकी जगह 24 लिख दिया, और देखिए बी और सी मैंने अब 55 में से 24 इधर आके माइनस हो जाएंगे BC, तो 5 में से 5 में से 4 गया 1 और 31 इज इक्वल टू BC, यानी ये वाला मेरे पास कितना आ गया 31, गैस यानी कि 31 और 24 इन दोनों को 31 और 24 को माइनस करो तो आपके पास कितना आता है 55 टोटल बन जाता है, ठीक है। अब ये वाला 31 से अब आप देखें तो
अब मैं ये वाला यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ, ये वाला पोर्शन में बीच में से ये वाली जो क्या है ट्राइंगल है वो निकाल ली। तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ये वाली मैंने निकाल ली, जिसका ये वाला बी है, यहाँ 90 का है, यहाँ डी है और यहाँ क्या सी है, ये 90 के बिल्कुल सामने आपका एच है जो उसने हमें क्या दे दिया ई सेंटीमीटर कह रहे हैं। फाइंड करो ये वाला जो है 32 सेंटीमीटर जो आपके एच के सामने आपका परपेंडिकुलर होते हैं और नीचे बेस जो है वो आपके पास 31 सेंटीमीटर है। ये क्या है 31 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ लिखूंगा इन ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल बी सी डी। अब बी सी डी में अप्लाई करने का थ्योरम एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर और बी यानी हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेन्यूज मैंने फाइंड करना है दैट इज ई, तो ई का होल स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर मेरे पास कितने 32, 32 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आ गया 31 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये ई स्क्वायर हो गया। 32 का स्क्वायर हमने यहां लिया था, देखिए 32 का 1024 है, 1024 और 31 का स्क्वायर हम चेक कर लेते हैं कि कितना बनता है 31 का स्क्वायर 941। अब ई स्क्वायर इज इक्वल टू ऐड करो 941 में 1024 1965 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लोगे तो ये से कट गया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया 44.16 से लिख लेंगे 44.16 सेंटीमीटर हमारे पास जो अननोन था वो हमने क्या कर लिया फाइंड कर लिया। तो इस तरह पार्ट डी और ई दोनों हमने कर लिया इस वाले लेक्चर में, 9 का पार्ट डी और ई जो है इस लेक्चर में की, तो बाकी के जो है वो ऑलरेडी मैंने किए हैं। इस क्वेश्चन में कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।